ग्राम पंचायत दुल्हरा जनपद पंचायत सिरमौर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान द्वारा हितग्राहियों के हस्ताक्षर का सामग्री प्रदान नहीं करने वाले कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीवा कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया कि सिरमौर जनपद अंतर्गत ग्राम दुल्हरा के कोटेदार की तानाशाही चरम सीमा पर है। एक तो जनवरी माह से अभी तक हितग्राहियों को राशन नहीं दिया और जनवरी से लेकर अब तक का अंगूठा लगाकर उनकी पर्ची काट दी और अब राशन के बदले पैसे भी बांट रहा है, जिसका वीडियो सामने आया है। इस दौरान रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि मेरे पास शिकायत आई है, मामले में अधिकारियों से जांच कराकर जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कोटेदार पर कार्रवाई की जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। मामला यह है कि कोटेदार कहते के पैसा ला लो, गल्ला नहीं आया, कोटे मन से नहीं आया रहा सरकार का। कौन है कोटेदार, क्या नाम है उसका? अरे ग्राम से मन के आए मऊ के बगैर। हाँ, क्या नाम है आपका? सुखलाल साकेत। क्या मामला लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस आए? खाद्यान्न कोटा में हमें नहीं मिल रहा, कम से कम 3 माह से पर्ची काटते हैं घर जा जाके, कहते हैं अगले महीने देंगे, दूसरे महीने देंगे, अभी नहीं आया है और नहीं देते हैं। तो आप लोग कोटे तक जाते हैं कि कोटेदार आपके घर आता है? कोटेदार घर आता है, घर आके पर्ची काटता है। घर आके पर्ची काटता है पूरे गांव में, घर घर जाके काटता है, घर घर जाके। कोटेदार का घनश्याम से। इनके द्वारा क्या कहा जाता है आपको? राशन की जगह पे आपने बताया कि पर्ची दी जाती है, राशन की जब मांग करते हो तो क्या कहता है कोटेदार? कहते हैं कि बस अगले महीने दे देंगे, अभी नहीं खाते। क्या नाम है आपका? संतोष कौल। संतोष जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? सर, हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्याएं हैं, जनवरी से होगा अभी तक खाद्यान्न हमारे हितग्राही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लेके आज कलेक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हुए हैं। 3 माह हो गया, 4 माह पर्ची लेके घूम रहे हैं। पर्ची कहाँ से मिल गई? जब पर्ची अंगूठा लगवा लेते, अंगूठा लगवा लेते सर जी, और पर्ची दे देते हैं, फिंगर लगवा लेते हैं। जी हाँ सर जी। इसके बाद वहाँ कोटेदार के द्वारा क्या कहा जाता है आप लोगों से? वहाँ होगा, पर्ची दे दिए, हो गया, फिर वो चले गए। पर्ची देने के बाद कुछ कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, नहीं देते हैं। इसकी शिकायत कहीं और की है? नहीं, इसकी शिकायत हम SDM कार्यालय में के और एक बार कलेक्टर साहब को भी दिए। मैं सिरमौर जनपद के ग्राम पंचायत दुल्हरे का मामला है, जहाँ कोटेदार पर आरोप है कि राशन नहीं दे रहे हैं जनवरी से, और हितग्राहियों के ये एक विषय अपने संज्ञान में आया है। हम लोग इसकी जांच कराते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है कि जनवरी महीने से अभी तक इनको खाद्यान्न नहीं मिला है, और क्यों शासकीय उचित मूल्य की दुकान नहीं खुल पा रही है। इसकी हम लोग जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जानकारी ऐसी हुई कि खाद्यान्न पर्ची भी निकाली जा चुकी है, उसके बावजूद भी ये सब जाँच के फैक्ट है, हम लोग जाँच कराएंगे। और ये भी आरोप है कि पैसा दिया जा रहा है खाद्यान्न के बदले। अच्छा, ये भी जांच के फैक्ट है, जांच रिपोर्ट जब आएगी तभी हम लोग इसमें कुछ कह पाएंगे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।